खबर इंडिया 7। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश के अंतर्गत सहारनपुर के रामलीला मैदान पर धरना दिया गया। सपाइयों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि गन्ना और आलू किसानों के साथ धोखा किया गया है, व्यापारियों के उत्पीड़न और बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। नगर विधायक संजय गर्ग ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के सामने भाजपा को बेनकाब करेगी। आज किसान चारों तरफ हाहाकार कर रहा है। जो वायदा वर्तमान सरकार में आते ही किया था कि हम आलू की खरीद करेंगे, आलू का किसान आलू सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर है। उसका लागत मूल्य उसे नहीं मिल रहा, जो उसने बचने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा, नए आलू की फसल आ गई और कोल्ड स्टोरेज के जो किराया है उस किराए की भी पूर्ति उसे बाजार में बेचकर नहीं हो रही है, इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उसी के साथ साथ नोटबंदी और जीएसटी के कारण भी तमाम व्यापारियों में हाहाकार है और व्यापारी भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। प्रकाश पांडे हमारे ही पड़ोस के उत्तरांचल के व्यापारी जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे, जहर खाकर खुलेआम उन्होंने इस बात को कहा कि वो बैंक की किस्तें देने में नाकाम हो रहे हैं और हताशा और निराशा की स्थिति में उन्होंने जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। ऐसे उन तमाम हालात के बाद जिस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति मुद्दों को भटकाने के लिए वर्तमान सरकार कर रही है, उसे जागृत करने के लिए कि वो समय रहते बाज आ जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आकर इन चीजों का खुलेआम विरोध करके बेनकाब करने का काम करेंगे। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।